क्या देश में बनाए गए नियम कानून या फिर ट्रैफिक रूल्स सिर्फ आम जनता के लिए होते हैं? क्योंकि इनका उल्लंघन करने पर या तो आपको दंड मिलता है या तो आपका चालान कट जाता है, पर यह क्या किसी नेता, विधायक या मंत्री के लिए लागू नहीं होता? जी हाँ, इस वीडियो को देखिए। इसमें कार की छत पर हाथ में तिरंगा लेकर जो माननीय स्टंट कर रहे हैं वो कोई आम आदमी नहीं बल्कि एक जनप्रतिनिधि है। जी हाँ, ये नेता मध्य प्रदेश के खेल मंत्री विश्वास कैलाश सारंग हैं। इस वीडियो में तो इन्होंने भाई हथपार ही कर दी। भारत की T20 वर्ल्ड कप में जीत पर वो इतना खुश हो गए कि बीच सड़क पर गाड़ी के कांच पर बैठे हाथ में तिरंगा लिए कार दौड़ाते दिखे। जीत के जश्न में माननीय मंत्री जी तो इस कदर डूब गए कि वो ट्रैफिक नियमों को ही भूल गए। अब आप सोचिए, जब कोई आम शख्स ऐसा करे तो उस पर कार्रवाई होती है, लेकिन जब एक नेता ऐसी हरकत करे तो क्या वो शोभा देता है? अब सवाल ये है कि इस पर मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार क्या कार्रवाई करती है, क्योंकि उन्होंने जीत के नशे में चूर होकर जो किया है उसमें ये तो साफ दिख रहा है कि माननीय मंत्री साहब ने ट्रैफिक नियमों की धज्जियां उड़ा दी हैं। आपको बता दें, कार में स्टंटबाजी का वीडियो मंत्री विश्वास सारंग का वीडियो उनके फेसबुक पेज पर भी पोस्ट किया गया, लेकिन बढ़ते विवाद के कारण उनके फेसबुक पेज से उस वीडियो को हटा दिया गया। इस वीडियो के वायरल होने के बाद मंत्री जी विवादों में घिर गए। मंत्री विश्वास कैलाश सारंग के समर्थक वायरल वीडियो में कार के अगल बगल लटके नजर आए। इसके साथ ही उनकी कार के पीछे गाड़ियों का काफिला भी दिखा। अब आप सोचिए, जो मंत्री इस वीडियो में स्टंट कर रहे हैं उसमें क्या कोई बड़ा हादसा नहीं घट जाता? जो लोग उनके आसपास कार में लटके दिखे, अगर किसी चूक से उनका हाथ छूट जाता तो वे सीधे सड़क पर गिरते। जब गाड़ी रफ्तार में थी तो इसमें उन्हें चोट आ सकती थी, खुद मंत्री जी भी अपनी जान जोखिम में डाल देते। वही अब इस वीडियो के सामने आने के बाद ये मामला तूल पकड़ता जा रहा है। अब देखना यह होगा कि ट्रैफिक व्यवस्था की धज्जियां उड़ाने वाले माननीय मंत्री जी पर क्या कार्रवाई होती है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24.